हेलो भाई, दिस इज़ अंशुल माल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए BS4 स्टैंडर्ड बुल्ट की साउंड। अभी पहले हम आपको स्ट्रोक साइलेंसर के साथ साउंड सुनाएंगे, इसकी स्ट्रोक बैंड पाइप और स्ट्रोक साइलेंसर के साथ। उसके बाद आपको सुनाएंगे फ्री फ्लो बैंड पाइप और फ्री फ्लो साइलेंसर के साथ इसकी आवाज़ सुनाएंगे फिर आपको। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपने अभी सुनी इसकी स्ट्रोक साइलेंसर और स्ट्रोक बैंड पाइप के साथ साउंड। अब आपको सुनाएंगे हम बैंड पाइप चेंज करके। ये देखिए, गोल बैंड पाइप और शॉर्ट बॉटल साइलेंसर के साथ, छोटे मुंह वाला ये साइलेंसर है, इसके साथ आपको भी आवाज़ सुनाते हैं हम। हाँ तो भाई, कैसी लगी आपको बुल्ट की साउंड BS4 की? मैंने आपको दोनों तरह की स्ट्रोक साइलेंसर के साथ, स्ट्रोक बैंड पाइप के साथ और फ्री फ्लो बैंड पाइप और फ्री फ्लो साइलेंसर के साथ दोनों तरह से आपको मैंने आवाज़ सुना दी है। तो आवाज़ में काफ़ी फ़र्क होता है और अच्छी भी लगती है आवाज़। और भाई, जहाँ तक बात है पिकअप की, तो पिकअप ड्रॉप होता है हाँ साइलेंसर और बैंड पाइप चेंज करने में थोड़ा सा, क्योंकि RPM स्लो कर दिए जाते हैं अच्छी ही आवाज़। तो भाई, आपको थोड़ा सा पिकअप में ड्रॉप ज़रूर दिखेगा RPM स्लो होने की वजह से, और थोड़ा बैक कंप्रेशर भी नहीं बनता है जब फ्री फ्लो साइलेंसर और बैंड पाइप लग जाता है। इस वजह से आपको पिकअप में थोड़ा ड्रॉप मिलेगा। और रही बात माइलेज की, तो भाई माइलेज में मेरे को ऐसा सच कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है जितनी पहले दे रही थी। बल्कि मुझे तो सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि पहले से भी ज़्यादा मेरी माइलेज इंक्रीज़ हो गई है। क्योंकि इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ सीधा, क्योंकि जो स्ट्रोक साइलेंसर था उस पर जो कंपनी ने RPM दिया था वो बढ़ा के दिया था, तो फ्यूल ज़्यादा जा रहा था इंजन में, तो एवरेज तो कम होगी। और जब मैंने RPM स्लो कर लिया था तो फ्यूल कम जा रहा था, इस वजह से माइलेज बढ़ गई है साइलेंसर चेंज करने की वजह से। अगर आप RPM स्लो करके रखते हो तो, अगर आप सेम RPM रखोगे तो माइलेज कम होगी 100%। तो लेकिन भाई ये याद रखना कि नई बुलेट में अभी आप RPM के साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करें, RPM आप उतने ही रहने दें जितने आते हैं। क्योंकि नई नई जब गाड़ी होती है, बुलेट होती है अपनी, तो इसके पिस्टन में जो है कोई भी, मतलब आप मान लीजिए कोई भी बाइक हो या कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें आपको जो है शुरू शुरू में ऑयल पिस्टन रमा करने के लिए ऑयल ज़्यादा जाना चाहिए इंजन ऑयल में, इसलिए RPM तेज ही रहने दें, वरना आपका इंजन ढंग से रमा नहीं हो पाएगा और आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी पिस्टन वगैरह में। तो इसलिए आप RPM अभी ना छेड़ें, पहले चलने दें अपनी 1500 किलोमीटर चला लें, उसके बाद ही आप चेंज करें जो भी करें RPM वगैरह में। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। तो आप बताइए आपको कैसी लगी वीडियो, और आने वाले टाइम में मैं आपको इसके बारे में, अगली वीडियो जो होगी अपनी सर्विस की होगी, इसकी सेकंड फ्री सर्विस की मैं कराने जाऊंगा अभी, तो आप मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या रिप्लेस हुआ, क्या क्या चेंज हुआ और कितनी कॉस्टिंग आई, सब कुछ बताया जाएगा आपको। और आगे और आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा इसके RPM वगैरह कैसे सेट करते हैं, जिन भाइयों को नहीं बताया कि RPM कहाँ से सेट होता है। और RPM सिर्फ आप BS4 में कर पाएंगे, BS6 में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें हो सकता है लेकिन उसमें मैपिंग के थ्रू होगा, जैसे कि आपने देखा है कि शोरूम वगैरह में वो अपने डिवाइस से कनेक्ट करके करते हैं, क्योंकि वो सारा सेंसर बेस्ड काम हो गया BS6 में, और उसमें आपका रिजर्व वगैरह लगाने के भी जो है नॉब नहीं है BS6 में। तो ये उसके ड्रॉबैक्स हैं, बाकी अच्छी है और उसका RPM काफ़ी तेज़ है, मेरे को इसलिए अच्छी लगी। तो भाई, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो।